तो फ्रेंड्स आज हम कच्चे केले की चिप्स की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कच्चे केले लिए हैं, जो कि मैंने 4 पीसेस लिए हैं। यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसमें कट लगा लेंगे बीच में, और आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम कच्चे केले हैं ये, घर के फ्रेश ताज़े केले हैं। आप चाहें तो मार्केट वाले केले का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से हम इसमें कट लगा लेंगे चारों तरफ केले में, जिससे कि हमें छिलके को निकालने में आसानी होगी। दोनों साइडों को भी कट कर लेंगे हम, और आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसके छिलके को निकाल देंगे। बहुत ही आसान होता है इस तरह से छिलके को निकालना। ये लीजिए, तो इस तरह से हम सारी ही बनाना का हम छिलका निकाल देंगे। और इस तरह से हम इसमें से चिप्स बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारी चिप्स यहाँ पे निकल रही हैं, चिपक भी नहीं रही। तो इसी तरह से हम या तो डायरेक्ट ऑयल में इनको बना के तैयार कर लें, या फिर किसी बर्तन में पहले बना के रख दें। अगर आप इनको पहले बना के रखेंगे तो ये काली पड़ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है हमें। ऑयल को साइड में गर्म होने के लिए रख देना है, और एक बनाने की चिप्स इस तरह से हम बना लेंगे और उनको हम फ्राई कर लें। देन उसके बाद ही दूसरे वाले बनाना से हम चिप्स बनाएँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सारे ही बनाना को इस तरह से चिप्स बना लिया है एक केले का। बहुत ही आसानी से बन जाती हैं ये चिप्स, इनको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, और इनको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। और एकदम पतली पतली चिप्स बन करके तैयार हुई हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पे मैंने एक छोटा बाउल लिया है, उसमें यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच पानी लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक को पानी में अच्छे से घोल के तैयार कर लेंगे। देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म होने के लिए रखा हुआ था। जब ऑयल एकदम हाई फ्लेम पे गर्म हो जाए, एकदम जिसमें धुआं निकलने लगे, इतना गर्म होना चाहिए ऑयल को। और अब हम इसमें चिप्स डाल देंगे। तो इस तरह से हमको चिप्स डाल देना है। ये चिपक रही हैं, पर जैसे जैसे ये फ्राई हो जाएंगी, तली जाएंगी, वैसे वैसे ये सेपरेट भी हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें चिप्स को इसमें तल लेना है ऑयल में। गैस का फ्लेम हाई रहने देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बार में एक बनाने की जितनी भी मैंने चिप्स बनाई हुई थी, सारी चिप्स को इसमें डाल दिया है ऑयल में। और अब हम इनको पलट देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे चिप्स हमारी थोड़ी सी फ्राई होने लगी हैं। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें नमक वाला पानी भी डाल देंगे। जब एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए चिप्स, तो उस टाइम पे आप इसमें पानी डाल दें। यहाँ पे मैंने इसमें किसी भी कलर का यूज़ नहीं किया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक वाला पानी डाल देंगे इस तरह से। थोड़े से झाग बढ़ जाते हैं इसमें जब आप नमक वाला पानी डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है चिप्स का। इससे ज़्यादा इनको ब्लैक नहीं करना है हमें। अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से, सारी ही चिप्सों को निकाल लेंगे अब हम। तो इस तरह से हमें सारी ही चिप्स निकाल लेनी है। वापस से 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म होने देंगे हम अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बनाने को छील लिया, और अब इस तरह से डायरेक्ट हम ऑयल में चिप्स को डाल देंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्ट ऑयल में ही ग्रेट करेंगे बनाना को। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट ऑयल में भी चिप्स बहुत अच्छी बन करके तैयार होती हैं। इस तरह से हम इनको ग्रेट कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रहने देना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम सारे ही चिप्स को तल लेंगे। आप इनको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। और जब भी आप चिप्स तलें बनाने वाली, तो इसे या तो फिर आप इसे रिफाइंड ऑयल में तलें, या फिर इसे कोकोनट ऑयल में तलें। इससे बहुत ही क्रिस्पी चिप्स बन करके तैयार होती हैं।
अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी की बची हुई सारी ही चिप्स इसी तरह से हम बना लेंगे। अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रोसेस में। तो ये आप थोड़ा सा नमक डाल दें इसमें, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, ये सारा मैंने मिक्स मसाला बना के रखा हुआ था, तो उसको आप इसमें डाल दें और आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी चिप्स हमारी बन करके तैयार हुई हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।